हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि सभी बच्चे कहते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें और संयोजकता कैसे निकालें। तो आज हम सिंपल सी बेसिक ट्रिक लेकर आए हैं कि संयोजकता फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की संयोजकता एक होती है, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे लिथियम, चाहे सोडियम, चाहे पोटेशियम, ये पूरे फर्स्ट ग्रुप की हो जाएगी एक, और सेकेंड ग्रुप की हो जाएगी दो। सेकेंड ग्रुप की पूरे की संयोजकता दो हो जाएगी, चाहे बेरिलियम की ले लो, चाहे मैग्नीशियम की, पूरे की संयोजकता सबकी दो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप की पूरे की बोरान, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, एंडेनियम, थैलीलियम, सभी की संयोजकता तीन हो जाएगी। और फिफ्थ ग्रुप की कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब की संयोजकता हो जाएगी चार, ठीक है। और फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो पूरे की संयोजकता हो जाएगी तीन। और सिक्स्थ ग्रुप है इसकी, चाहे ऑक्सीजन, चाहे सल्फर, चाहे सिलिकॉन और थैलेरियम, ये सबकी संयोजकता हो जाएगी दो। और सेवेंथ ग्रुप, इसकी पूरे की संयोजकता होगी एक, ठीक है। और ये अर्थ ग्रुप है, इसको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं अर्थ ग्रुप को, इसकी पूरे की संयोजकता शून्य होगी, ठीक है। अब हम ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण संख्या, हाँ, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर, चाहे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो प्लस की एक आएगी, ठीक है। और ये सेकेंड ग्रुप है, इसकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी प्लस की टू, ठीक है। और ये थर्ड ग्रुप है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी प्लस की तीन। और ये फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ए ग्रुप की हो जाएगी प्लस माइनस फोर, इसकी दोनों प्लस में भी होगी और माइनस में भी, दोनों भी ली जाएंगी। और ये फिफ्थ ग्रुप है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी माइनस की तीन, इसकी माइनस की तीन होगी। और ये सिक्स्थ ग्रुप है, इसकी माइनस की दो हो जाएगी। और ये सेवन्थ ग्रुप है, इसकी माइनस एक। और ये शून्य वर्ग, जिसे अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, इसकी संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या दोनों समान, यानी कि जीरो, शून्य होंगी, ठीक है। हाँ, तो अब हम ब्लॉक की बात करेंगे। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप और ये सेकेंड ए ग्रुप, इन दोनों का ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक, इसे एस ब्लॉक कहेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। और ये थर्ड ए ग्रुप और ये अर्थ ए ग्रुप, इन दोनों की, इन सभी की, मतलब कि ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक, ये हो जाएंगे पी ब्लॉक के। और ये बीच में है, ये थर्ड वी से लेकर सेकेंड वी तक, इनका ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे परमाणु क्रमांक 57 से 103 तक, इनका ब्लॉक हो जाएगा एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक हो जाएगा ये, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।